देखिए दोस्तों, आज मेरे घर पे ही धनवंतरी बायोसेंस का मीटिंग हो रहा है। देखिए बहुत दूर दूर से आदमी आए हुए हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अभी आपको अंदर लेके चलते हैं। पूरे महीना का 12,000 की भी हुआ, और यदि विपुल कुमार के पास 12,000 होगा तो गौरव कुमार के पास 12,000 होगा, सुशांत जी के पास 12,000 होगा, गोपाल जी के पास 12,000 होगा, इनके पास 12,000 होगा, पवन जी के पास 12,000 होगा, जीतू जी के पास 12,000 होगा। सारा दीदी को एकत्रित करेंगे तो महीना का 1,00,000 दीदी होगा। 1,00,000 दीदी होगा तो 12 महीना का 12,00,000 दीदी होगा। ऐसा कोई लोग नहीं रहेगा जिसका से 7,000 नहीं होगा। बेचना कितना 1,000 अपनी गरीबी को मिटाने के लिए, अपनी गरीबी को मिटाने के लिए बेचना कितना है 1,000 का, और 1,000 में मेरे पॉकेट में कितना आएगा 400 रुपया आएगा महीना का, 12,000 रुपया आएगा महीना का, 12,000 रुपया आएगा। आज दिन के बाद मेरी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। और पूरे बीवी को यदि हम काउंट करेंगे पूरे साल भर में 12,00,000 बीवी होता है, यदि सारे लोग मिलकर करेंगे तो 12,00,000 बीवी होगा। दोस्तों धनवंतरी बायोसाइंस हम लोग को जीने का इतना बड़ा रास्ता दिया है, 60,000 की सैलरी पर हम लोग चले जाएंगे, और 60,000 रुपया महीना जब हम लोग के पास आने लगेगा, क्या हम लोग के पास गाड़ी नहीं लगेगी, हम लोग का लाइफ स्टाइल नहीं बदलेगा, हम लोग का दिनचर्या नहीं बदलेगा, सारा चीज बदल जाएगा। कल दिन हम लोग ये भूखना शुरू कर देंगे मेरे पास पैसा नहीं है। हम अभी आपको बताए कि खूब आप देखने में स्मार्ट हैं, काफी सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं है तो फिर भी आप किसी काम के नहीं है। हेल्थ है, वेल्थ नहीं, या काफी पैसा है और आप बीमार हैं, आप दूसरे को देखने जा रहे हैं और आप खुद घुटना दर्द से तड़ा रहे हैं, फिर भी आपका लाइफ स्टाइल वहीं से फेल हो जाएगा। इसलिए पहले अपने लाइफ स्टाइल को बदलना है, सुबह सूर्योदय से पहले जगना है, शुद्ध पानी पीना है, चापाकल का पानी पीना है, 12 सेकंड गुनगुना पानी सुबह सुबह पीना है, और सलाद को खाना है, कच्चा चीज का सेवन करना है, कच्चा खाओ रोग भगाओ, लिखा हुआ है कच्चा खाओ रोग भगाओ, वही फल फूल खा करके, वही कच्चा चीज खा करके हमारे संत महात्मा 120 बरस जीते, 120 बरस जीते। अब रह गया सर 5 भयंकर बीमारी को हम लोग को खोज लेना है। आज सर पहले 4 गांव घूमते थे ना, 4 गांव घूमते थे, पवन जी याद रखिएगा, 1 शुगर का मरीज मिलता था, 4 गांव घूमने पे कितना मिलता था, 1 शुगर का मरीज मिलता था। आज हम 4 घर घूमते हैं, चारों घर में शुगर का मरीज मिलता है, सब लोग कहता है हम शुगर का मरीज हैं, और वो आदमी कहाँ जाते हैं, एलोपैथ में दिखाने जाते हैं, डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, अरे बाप ये तो लाइलाज बीमारी है, क्या बोलते हैं, लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, जीवन भर आपको शुगर की दवाई खानी पड़ेगी। अब सोच लीजिए जीवन भर आपको शुगर की दवाई खानी पड़ेगी, जबकि सबको पता है पेन क्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दिया तो हम लोग क्या हो गए, शुगर के मरीज हो गए, और डॉक्टर साहब क्या लिखते हैं, इंसुलिन का टेबलेट, कुछ दिन खिलाते हैं इंसुलिन का टेबलेट, जब फिर लिखते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन, फिर कुछ दिन के बाद जब इंजेक्शन से वो थक जाते हैं सुबह शाम रोज करते हैं, तब फिर लिखते हैं लीवर का, तब फिर हार्ट होता है, तब बीपी होता है, सारा चीज जब हो जाता है बेचारा का 10 साल में, तब उसको कहता है ले जाइए भगवान के भरोसे इनको घर, अब रामनाम सब होने वाला है। हम लोग के पास शुगर का परमानेंट सोल्यूशन है, परमानेंट 110% इलाज है आयुर्वेद में। बाबा रामदेव चैलेंज के दोस्त ने बताया माइक पे मीडिया के सामने, यदि है आपके उसमें शुगर का इलाज, बोला कि नहीं, लेकिन मेरे पास शुगर का 100% इलाज है, लोग हमारे पास आएगा ना। हम यदि अपने पत्नी को, समझने वाली बात है उसका निदान कैसे है, हम यदि अपने पत्नी को नित्य दिन होटल से खाना लेके देंगे तो क्या वो खाना बनाएगी, क्या खाना बनाएगी, नहीं ना बनाएगी, काहे हम डेली होटल से खाना ले जाकर उनको दे रहे हैं। उसी तरह जब तक आप इंसुलिन का टेबलेट लेते रहेंगे, क्या पेन क्रियाज इंसुलिन बनाएगी, नहीं बनाएगी ना। यदि 2 साल तक हम पत्नी को रोज होटल से खाना पहुंचाएंगे, वो खाना बनाना भी भूल जाएगी, रोटी बेलना भी भूल जाएगी। उसी प्रकार से जब तक इंसुलिन का टेबलेट देते रहेंगे आपका पेन क्रियाज मुर्दा हो जाएगा। हमको पेन क्रियाज को क्या करना है, जिंदा करना है। उसके लिए पहले कहीं भी जाइए तो पहले उसके लाइफ स्टाइल करवाइए, पहले उसके
लाइफ स्टाइल पे बात करना है, उसको बोलना है गुनगुना पानी पीजिए, सूर्य का रोशनी अपने शरीर में लगाइए और 12 बजे दिन तक आपको कच्चा चीज खाइए। क्या खाइए? कभी नहीं डरना है, जो डॉक्टर बोलता है केला मत खाओ शुगर बढ़ जाएगा, शुगर वाले मरीज को एक दर्जन केला खिलाइए और जाके बोलिए आप जाके शुगर चेक करा लो, उसका शुगर लेवल यदि 300 है तो 150 आ जाएगा। वो डराता है डॉक्टर, वो चीज बना खिलाने के लिए कहता है जिस चीज से उसका शुगर बढ़ता है, वो क्या है? दूध। शुगर वाले मरीज को यदि दूध और दूध से बना हुआ सामान बंद करा दीजिएगा और अपना डाइवा केयर जूस उसको खिलाना शुरू कर दीजिएगा, अपना डाइवा केयर कैप्सूल खिलाना उसको शुरू कर दीजिएगा, 3 महीने के अंदर उसका लाइफ भर के लिए, जीवन भर के लिए शुगर खत्म हो जाएगा। लोग मेरा पैर पकड़ेगा या उसका पकड़ेगा? एलोपैथ वाले का बताइए। लोग हमको दिल से धन्यवाद देगा या एलोपैथ वाले को धन्यवाद देगा? लेकिन सर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ दवाई का बात करते हैं, कभी दवाई से रोगी ठीक नहीं होता है। याद रखना है, दवाई तभी आपका काम करेगा जब आप उसके लाइफ स्टाइल को चेंज करें। उनकी जीवन शैली ही उसको बीमार करता है। हमको पता है, यदि आज मिथुन जी को पता था ना इनको गैस बना, इनको ये भी पता है रात में चाड़ के मीट खाया इसीलिए हमको गैस बना। जब बीमारी हुआ तो वो भी पता है किस चलते हुआ बीमारी ठीक कैसे हुआ, ये भी इनको पता होनी चाहिए ना कि नहीं होनी चाहिए। डायबिटीज के लिए तो समझ गए ना, डायवा केयर सिरप उसको जूस दे दीजिए, वो आदमी ठीक हो जाएगा सुबह शाम पीने का उसका आदत डाल दीजिए। लेकिन उसको क्या बंद करना है? दूध बंद करना है। यदि वो दूध बंद नहीं करेगा तो उनका लाइफ टाइम के लिए शुगर ठीक नहीं होगा। दूध से बना हुआ सामान और दूध को बंद कर देना है। दूसरा, आज के डेट में 99% महिला एक भयंकर रोग से ग्रसित है, हर एक घर की बीमारी है, वो क्या है? लिकोरिया। हर एक महिला को सफेद पानी आने की बीमारी है, हर एक महिला को यूट्रस का बीमारी है और एलोपैथ में इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, इसका ओवरी जो है काट के निकाल दीजिए, इसका बच्चादानी को बाहर कर दीजिए। अब सोच लीजिए केला के गाछ को कितनों काट दीजिएगा, क्या गाछ खत्म हो जाएगा? क्या उसमें दूसरा पानी फेंकता है? दूसरा पानी फेंकता है। उसके लिए हम लोग के पास परमानेंट इलाज है। कैसनो भयंकर महिला है, यदि उसका बच्चादानी निकलने वाला भी है तो उसको ठीक करने 100% मेरे पास इलाज है, 110% मैं ठीक करूंगा। आप उस पेशेंट को मेरे पास दीजिए, मैं ठीक करूंगा, आप ठीक करेंगे। क्या देना है उसको? लिको एक कैप्सूल दे दीजिए या अशोका सिरप दे दीजिए। लिको एक कैप्सूल और अशोका सिरप, लिको एक कैप्सूल और अशोका सिरप, याद रखिएगा। अब ये नहीं पैसा कमाने के अशोका टेबलेट भी दे रहे हैं, अशोका सिरप भी दे रहे हैं, लिको एक कैप्सूल भी दे रहे हैं, लिको एक सिरप भी दे रहे हैं, कोई एक चीज देना है। लिको एक कैप्सूल दिए, अशोका सिरप दिए, अशोका टेबलेट दिए, लिको एक सिरप दिए, मतलब एक चीज देना। ऐसा नहीं कि पैसा कमाने के लिए उसको 5 रंग का दवाई चला देना, ऐसा पैसा नहीं कमाना, पैसा ईमानदारी से कमाना है, ओरिजिनल चीज देना है। दो बीमारी का सोल्यूशन हो गया ना, एक लिकोरिया का यूट्रस का हो गया और दूसरा शुगर का हो गया। अभी के समय में हर घर में सर्दी खांसी बुखार, सर्दी खांसी तो पड़ा हुआ, गला में खराश, सांस लेने में तकलीफ, कितना भयंकर चीज है, कुछ नहीं करना है, चाहे वो अस्थमा की।